नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और हम लगातार बने हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच इस ग्रुप ए मुकाबले के आखिरी मैच में। आपको बता दें कि इसके बाद सुपर फोर का मुकाबला होने वाला है, लेकिन जो मैच अभी जो महामुकाबला चल रहा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। एक पारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है और 162 पर पाकिस्तानी पारी को समेट दिया है। बता दें आपको कि पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और उसके बाद जिस तरह शुरुआत में दो झटके दिए थे भुवनेश्वर कुमार ने, उसके बाद पाकिस्तानी टीम संभली। एक अच्छी पार्टनरशिप हुई बाबर आजम और दामाद जी शोएब मलिक के बीच और उसके बाद पाकिस्तानी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई और 163 रनों का भारत को लक्ष्य दिया है। मेरे साथ काशिफ भाई जमे हुए हैं। काशिफ भाई, क्या लगता है आज के मैच में अब भारत के लिए क्या है? बिल्कुल, देखिए अभिलाष जी, शुरू से ही हम देख रहे थे कि पाकिस्तानी टीम लगातार जो है विकेट गिर रहे थे और अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी। लगातार जो शुरुआती जो दो विकेट गिरे हैं उससे पूरा अंदाजा हो गया था कि अब पाकिस्तानी टीम ज़्यादा लक्ष्य नहीं दे पाएगी और वही हुआ है कि 162 पर पाकिस्तानी टीम ढेर हो चुकी है। देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाज जो थे वो हावी थे पाकिस्तानी बल्लेबाजों के ऊपर। वो समझ नहीं पा रहे थे कि जिस तरीके से आप देखें कि कोई रनआउट हो रहा है, कोई कैच दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान का पड़ा बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और अब भारत जो है जीत की तरफ मुझे लगता है तेजी से बढ़ रहा है। नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान की गेंदबाजी की बात की जाए, ऐसा नहीं है कि हम भारत को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, भारत हम दिल से चाहते हैं भारत जीते, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तानी गेंदबाजी जो है बेहतर है। उस्मान खान बहुत बड़े बल्लेबाज हैं और जिस तरह की लय हम देख रहे हैं भारतीय बल्लेबाजों की, रोहित शर्मा, शिखर धवन और अंबती रायडू को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड ठीक है, लेकिन यहाँ पर फॉर्म की भी बात होती है, बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं है। ये हमने कल भी देखा कि ताश के पत्तों की तरह ये ढहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब भारतीय टीम के लिए मुश्किल कितनी रहेगी ये 162 रन? नहीं देखिए, मुश्किल तो थोड़ा सा हो सकता है कि अगर देखिए शुरुआत में अगर दो तीन विकेट अगर पाकिस्तान को शुरुआत में मिल जाते हैं तो भारत के बल्लेबाजों पर दबाव बन सकता है, लेकिन अभिलाष जी वही है कि लगातार हम ये बात देखते हैं कि शुरुआत के दो तीन विकेट गिरने के बाद टीम थोड़ा लड़खड़ा जाती है, लेकिन अभी फिलहाल तो जिस तरीके से लग रही है पिच की जो स्थिति दिख रही है और जो लग रहा है कि वहाँ गेंदबाज हावी रह सकते हैं और जिस तरीके से, और लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो नज़र आई है वो है भारतीय जो फील्डिंग जो की है वो ज़बरदस्त मुझे लगा है इस बार जो है वो बहुत, हालांकि दो तीन कैच छोड़े गए हैं लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छी जो है वो फील्डिंग हुई है, बहुत अच्छी एक जो कैच ली गई है वो बहुत अच्छी ली गई है, तो मुझे लगता है कि भारत फिलहाल जो है वो पाकिस्तान से मजबूत है, लेकिन अगर पाकिस्तान शुरुआत में दो तीन विकेट चटका लेता है तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान के पड़ले में चला जाए। मुझे अभी भी याद है पिछला एशिया कप जब T20 फॉर्मेट में हो रहा था, 72 रन पे पाकिस्तानी टीम पूरी ढेर हो गई थी, माफ़ कीजिएगा 82 रन पर, और उसके बाद मोहम्मद आमिर ही थे, इन्होंने बैक टू बैक झटके दिए थे। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी रीड की जो हड्डी है भारत की, जो टॉप थ्री हैं, उनको झटका दिया था यहाँ पर। मोहम्मद आमिर से आज बहुत उम्मीद है पाकिस्तान को? बिल्कुल, देखिए मोहम्मद आमिर से तो उम्मीद जिस सबसे सीरीज शुरू हुई है तब से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मोहम्मद आमिर जो है वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और आज तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब जो पाकिस्तान जो देश है, मुल्क है, वहाँ की आवाम जो है इस वक्त देख रही होगी कि किसी सूरत से जो है वो आमिर को शुरुआत में ही 3 से 4 विकेट मिल जाए और पाकिस्तान दोबारा से इस मैच में वापसी कर ले। देखिए मैच का मज़ा भी अभिलाजी तभी है जब थोड़ा सा कांटे की टक्कर हो जाए, जब एक बॉल और एक गेंद का फासला जब बढ़े और भारत पाकिस्तान मैच का जो वो भारत पाकिस्तान का मनोरंजन मैच का तभी आता है, वरना फिर एक तरफा तो मैच में दर्शकों को भी मजा नहीं आता है। चलिए अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या यहाँ पर अपने इस स्कोर को डिफेंड कर पाती है, क्योंकि भारत के लिए ठीक है टोटल इजी लग रहा है लेकिन कतई आसान तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस तरह का गेंदबाजी लाइनअप पाकिस्तान का है वो भी शानदार है। मोहम्मद आमिर हैं, फहीम अशरफ हैं, ये इन सब गेंदबाजों को खेलना आसान नहीं होगा क्योंकि यूज टू हैं, वो भी 150 बचाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी हाल ही में 6 महीने पहले, तो यहाँ पर पाकिस्तानी टीम भी जो है मजबूत नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत इस मैच को जीत पाता है या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, हम आपके साथ अगली अपडेट लेकर हाजिर होंगे, लेकिन फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत। Wow.